सो हेलो गाइस, मैं रवि वर्मा और आप देख रहे हैं ओनली हेल्थ एडवाइस। तो आज इस वीडियो में मैं बात करने जा रहा हूँ मेफेनेमिक एसिड के बारे में। मेफेनेमिक एसिड के डोजेस के बारे में जानना काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। इसके डोजेस कितनी मात्रा में चलानी चाहिए और इसे कितने दिनों तक मैक्सिमम चलाने की आवश्यकता पड़ सकती है। इसका इस्तेमाल किन बीमारियों में सबसे बेहतर माना गया है, इसके साइड इफेक्ट के बारे में, प्रिकॉशन और कुछ इंट्रैक्शन के बारे में, क्योंकि कुछ मेडिसिन के साथ में इसका इंट्रैक्शन भी देखा गया है। तो आज इस वीडियो में पूरी तरह से मेफेनेमिक एसिड के बारे में बात की जाएगी। वीडियो को लाइक करें और शेयर जरूर करें ताकि ये इन्फॉर्मेशन दूसरे लोगों तक पहुंच सके। मेफेनेमिक एसिड एक एनसेड्स है, यानी नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग। एनसेड्स के साथ साथ इसमें एंटीपायरेटिक और एनाल्जेसिक के गुण भी पाए जाते हैं, यानी बुखार के साथ साथ ये दर्द और सूजन को भी कम करता है। तो आप जानते हैं मेफेनेमिक एसिड किन बीमारियों में सबसे बेहतर वर्क करता है। इसमें से जो पहला है वो है बुखार। अगर आपको तेज़ फीवर की समस्या है या तो फिर हल्के फुल्के फीवर की समस्या है तो आप मेफेनेमिक एसिड का इस्तेमाल कर सकते हैं। और दूसरा है दर्द और स्वेलिंग, यानी सूजन। दर्द और सूजन को भी ये कम करने में काफ़ी बेहतर मेडिसिन मानी जाती है। चाहे आपको किसी भी प्रकार का दर्द हो, मेफेनेमिक एसिड उसमें वर्क करता है। चाहे आपको जॉइंट पेन हो, यानी जोड़ों का दर्द हो, घुटनों में होने वाली दर्द हो, अर्थराइटिस हो, या तो फिर मसल्स पेन हो, सर दर्द की समस्या हो, दांत दर्द की समस्या हो, कान दर्द की समस्या हो, तो उन सभी दर्दों में मेफेनेमिक एसिड का इस्तेमाल किया जाता है। पीरियड के दौरान होने वाली जो दर्द होती है स्त्रियों में, उसमें भी मेफेनेमिक एसिड का इस्तेमाल किया जाता है। यानी माइल्ड टू मॉडरेट पेन जो होते हैं, यानी कम से मध्य स्तरीय दर्द जो होते हैं, उसमें मेफेनेमिक एसिड का इस्तेमाल काफ़ी बेहतर माना जाता है। चाहे वो किसी भी प्रकार के दर्द हों, उसमें मेफेनेमिक एसिड का इस्तेमाल किया जाता है। तो अब जानते हैं इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट के बारे में, क्योंकि इसका साइड इफ़ेक्ट भी देखा गया है। लेकिन मेफेनेमिक एसिड का साइड इफ़ेक्ट सभी लोगों में नहीं देखा गया है, लेकिन जिन लोगों में मेफेनेमिक एसिड का साइड इफ़ेक्ट देखा गया उसमें उल्टी की समस्या, मतली की समस्या, अगर आपको किसी भी तरह का साइड इफ़ेक्ट होता है तो वो चक्कर आने की समस्या हो सकती है, हार्ट वर्म की भी समस्या इसमें देखी गई है। अगर मेफेनेमिक एसिड के द्वारा अगर किसी भी तरह का साइड इफ़ेक्ट होता है तो आपको हार्ट वर्म की भी समस्या देखी गई है, गैस की समस्या देखी गई है, कब्ज़ की समस्या देखी गई है। तो ये सारे समस्याएँ जो हैं वो कॉमन समस्याएँ हैं जो मेफेनेमिक एसिड के द्वारा देखी गई है। ये सभी समस्याएँ काफ़ी सारे लोगों में देखी गई हैं, लेकिन ये सभी समस्याएँ जो है वो कॉमन समस्याएँ हैं। तो आप जानते हैं इसके डोजेस के बारे में। इसका जो डोजेस है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने जा रहा है, क्योंकि इसके डोजेस सीवियरिटी के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपको काफ़ी ज़्यादा दर्द है तो इसके डोजेस बढ़ाए जा सकते हैं, और अगर आपको काफ़ी कम पेन है, माइल्ड पेन है, काफ़ी कम पेन है, तो इसके डोजेस लिमिट में लिए जा सकते हैं। इसके जो डोजेस हैं इनिशियल शुरुआती डोज जो है वो 500 mg वंस अ डे, दिन में एक बार आप 500 mg इस्तेमाल कर सकते हैं, ये शुरुआती डोज है। लेकिन इसको फॉलो करने के लिए जो रेगुलर डोज आप लेते हैं मेफेनेमिक एसिड के, वो 250 mg का है एवरी 6 आवर, यानी 250 mg एवरी 6 आवर पर आप मेफेनेमिक एसिड का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका इस्तेमाल रेगुलर वे में नहीं किया जा सकता है। अगर आप मेफेनेमिक एसिड का इस्तेमाल करते हैं तो 7 दिनों तक मैक्सिमम इस्तेमाल करें, उसके बाद इस दवा को लेना बंद कर दें, नहीं तो काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती हैं, जैसे किडनी की प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती है, लीवर की प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती है। तो अगर आपको पहले से कुछ समस्याएँ हैं तब भी आप इस मेफेनेमिक एसिड का इस्तेमाल ना करें तो बेहतर होगा। तो आप जानते हैं कुछ प्रिकॉशन के बारे में। अगर आपको किडनी की समस्या पहले से है, लीवर की समस्या पहले से है, हार्ट की समस्या पहले से है, क्योंकि इस मेडिसिन से जो प्रॉब्लम देखी गई है वो हार्ट अटैक और स्ट्रोक की भी समस्या देखी गई है, तो अगर आप हार्ट की सर्जरी हुई है या तो फिर आपने हाल फिलहाल बाईपास सर्जरी करवाई हो, या तो फिर स्टोमक ब्लीडिंग आपको हो रही हो, इंटेस्टाइनल ब्लीडिंग आपको हो रही हो, या तो फिर आप अल्सरेटिव कोलाइटिस से ग्रसित हो, या तो फिर इरिटेबल बोवेल सिंड्रोम से ग्रसित हो, इन सभी समस्याओं में भी मेफेनेमिक एसिड का इस्तेमाल नहीं करने की सलाह दी जाती है। तो अगर आप इन सभी समस्याओं से ग्रसित हैं और मेफेनेमिक एसिड का इस्तेमाल आप कर रहे हैं तो आप तुरंत इसका इस्तेमाल करना बंद कर दें, क्योंकि ये समस्याएं और भी ज़्यादा बढ़ सकती हैं। तो आप जानते हैं इसके इंट्रैक्शन के बारे में, क्योंकि कुछ मेडिसिन के साथ में इसका इंट्रैक्शन भी देखा गया है।
तो उसमें से जो पहली मेडिसिन है वो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया है, मेथोट्रेक्सेट है, एंटासिड के साथ में इसका इंट्रैक्शन देखा गया है, और कुछ एस्ट्राइडल मेडिसिन के साथ में भी इसका इंट्रैक्शन देखा गया है। उसमें से है प्रेडनिशोन, इसके साथ में इसका इंट्रैक्शन देखा गया है। तो अगर आप इन सभी दवाओं का इस्तेमाल करते हैं और साथ में मेफेनामिक एसिड का इस्तेमाल करते हैं तो अपने डॉक्टर से सलाह एक बार ज़रूर ले लें, क्योंकि इसका इंट्रैक्शन इसके साथ में देखा गया है, उससे साइड इफ़ेक्ट भी हो सकता है, साइड इफ़ेक्ट होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ सकते हैं, या तो फिर इसका जो इफ़िकेसी है वो कम हो जाएगा। तो अगर आप इन सभी मेडिसिन के साथ इसका इस्तेमाल करते हैं तो वीडियो लाइक करें, शेयर ज़रूर करें, ताकि ये इन्फॉर्मेशन दूसरे लोगों तक पहुँच सके।